क्लियर आ रहा है ना सबको? पीछे ओ चश्मे का नंबर बदलना पड़ेगा। अब क्लियर है? नहीं है? रुकिए मैं इसको तो बंद कर लूं पहले, चालू कर लूं। पीछे क्लियर? कल कहाँ तक पढ़े थे जरा बताना। पीछे आप लोग सामने आ जाइए अगर दिखाई ना दे रहा होगा तो। अब मैं आके तो पीछे देख नहीं सकता अभी कि सच में दे रहा है कि नहीं दे रहा है। कल कहाँ तक पढ़े थे? अच्छा होम में पढ़े थे। कुछ बाकी था? सब कंप्लीट था? मेरे को बाद में याद आया कि मैं एक दो ठो बताना छोड़ दिया था, इसको छोड़ दिया था बताना। ठीक है, ये कुछ नहीं है, बस ये थोड़ा सा बॉर्डर वगैरह है। ठीक है, जैसे ये है ये, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन दे दिया, ये आउटसाइड बॉर्डर करूँ तो ऐसा आ गया। ठीक है, लाइन को मैं ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, देखिए। ठीक है, ये जिधर आप चाहोगे, ये राइट बॉर्डर चाहता हूँ तो राइट हो गया इधर बॉर्डर। ठीक है, तो ये बॉर्डर है और कुछ है नहीं। ये देखिए ऐसा लाइन आ गया। अगर मान लीजिए ऐसा लाइन कभी आ जाता है तो आप क्या करेंगे, नो बॉर्डर में क्लिक करके हटा देंगे। ठीक है, इसके बाद आखिरी में आता है ये ड्रॉ टेबल व्यू ग्रिड लाइन, ये वाला अच्छा है नहीं, ग्रिड लाइन इस मेनू में देख लेंगे और टेबल को इधर कहीं देख लेंगे इंसर्ट वगैरह में। ठीक है, और ये फॉर्मेटिंग है, इसको बड़ा कर दूंगा। ये है क्लियर फॉर्मेटिंग, इसका शॉर्टकट बटन मुझे बाद में याद आया, उस समय मैं बताना ही भूल गया था, कंट्रोल प्लस स्पेस। ठीक, कंट्रोल स्पेस से फॉर्मेटिंग खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए तो आगे चलें। कुछ इसमें और बाद में आप लोग को दिखेगा जो कि मैं नहीं बता पाया या भूल गया तो पूछ लेना। ठीक, इंसर्ट में आ जाएं। अब दिखाई दे रहा है ना सबको? ये प्रोजेक्टर मुझे कुछ अलग ही लग रहा है। चलिए रहने देते हैं। यहाँ पे क्या है? सबसे पहला कवर पेज। अच्छा मैं रुकिए 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 रुकिए, इसको बंद करता हूँ। मैं कुछ और ही बताने वाला था जो कि ए आपने आवेदन टाइप किया है। ठीक है, तो सेवा में प्रचार महोदय आईसेक कंप्यूटर छुट्टी लेने का महान कृपा करें। ठीक है, ऐसे कुछ है लिखा हुआ है। ठीक, अब ऐसा आवेदन कोई देखेगा तो बोलेगा नहीं देता छुट्टी जा। ठीक है, तो चलिए मैं इसका मैं टाइप करूंगा तो मेरे को ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं आप लोग से टाइप करा लिया पहले। इस सबका फॉर्मेटिंग मैं ख़त्म कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये लीजिए कुछ इस तरह का फॉर्मेटिंग, एंटर मारा, महाशय सविनय असमर्थ हूँ। ठीक है, ऐसा कर दिया। ठीक है, ऐसा जय जय सवाल कुमार भाई, ये नाम है या टाइटल है? अच्छा नाम ये है, चलो अच्छी बात है। कुछ इस तरह का मैं इसको बना दिया। ठीक है, फॉर्मेटिंग में कैसे करूंगा, मेरे कर्सर के जो राइट में जितना भी टेक्स्ट है ना उसको आप इग्नोर कर देना। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा मेरे पास पर्याप्त समय होता तो मैं एक एक स्टेप टाइप करके दिखा सकता था, लेकिन अभी तो उतना मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, सेवा में श्रीमान है यहाँ पे ऐसे आया। ठीक, अब दूसरा लाइन यहाँ से लिखना शुरू हो गया तो थोड़ा सा आगे करके लिखते हैं ना शायद। हाँ, टैब मारूंगा तो ये थोड़ा सा आगे हो जाएगा। ठीक है, प्राचार्य महोदय, इसके बाद ऐसे कंप्यूटर सेंटर वाटर नगर, ये नीचे रहता है ना कि इसी लाइन में रहता है? चलिए जी नीचे मैं कर देता हूँ। ठीक है, अब ये और ये, इन दोनों के बीच में स्पेस ज़्यादा है गैप। ठीक है, तो आप चाहो तो रख लो, ज़्यादा ही स्पेस है उसको। ठीक है, लेकिन आपको ज़्यादा ही स्पेस नहीं रखना है अगर, तो क्या करोगे, रिमूव स्पेस स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पे क्लिक कर दो, यहाँ पे कर्सर ला के और यहाँ पे क्लिक कर दोगे, खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अगला लाइन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी इंटर मार के अगला लाइन लिखा गया हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे दिया,
ये तो विषय छुट्टी लेने का आवेदन पत्र, ये ठीक है। मेरे को लगता है कि ये होना नहीं चाहिए था आवेदन पत्र में, पर है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद एंटर दबा के नीचे लाइन पे आया, ठीक है। इस लाइन से इस लाइन का स्पेस इतना चलता है, ठीक है महाशय। मेरे को क्यों लग रहा है कि ये गलत है महाशय? चलिए आपने लिखा है तो सही होगा, हमको पूरा विश्वास है आपके ऊपर, जैसे राजनेताओं पे नागरिक का विश्वास रहता है, ठीक है। चलिए इसको मैं एंटर मारा, ठीक है, अब मार दूंगा टैब तो आ जाएगा ये इधर, ठीक। यहाँ पे कुछ रहता है ना इस टाइप का, ऐसा, ठीक। चलिए सविनय नम्र निवेदन यह है कि जो भी होगा, कुछ जरूरत पड़ गया है मेरे को तो मैं आने से असमर्थ हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे आया, एंटर मारा, और इस लाइन को आप चाहो तो यहाँ छोड़ दो, अन्यथा यहाँ तक आप टैब दबा के ले ला सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद श्रीमान जी से निवेदन है कि इतना 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 ऐसे करके मुझे कृपा करके दे दो थोड़ा सा छुट्टी, ठीक है, फिर कृपा करें, ठीक है। अब तो कृपा करें के बाद मैं दे दिया फुल स्टॉप, मार दिया एंटर, ठीक है। एंटर मारने के बाद मैं बैक स्पेस दबाया, मेरा आ गया यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब मैं क्या काम करूँगा, आपका आज्ञाकारी स्पेस, आया मैं नीचे, एंटर मारा, यहाँ पे लिख दिया कुमार जायसवाल, ठीक है। नीचे आ गया, वाड्रप नगर लिख दूँ, पता मुरकौल नहीं, मेरे को आसान लगता है वाड्रप नगर लिखना, मैं नहीं लिखूंगा मुरकौल। भाई आते कौन रास्ता से हो, हैं? अच्छा स्याही मोड़ से, चलो ठीक है, लिख देता हूँ वाड्रप नगर, ठीक। और आगे भी कुछ लिखने का जरूरत है? कानून ये है कि जब आप आवेदन लिख रहे हैं, ठीक है, एमएस वर्ड खोला, आपका कर्सर यहाँ पे आया, ठीक है, उसके बाद आपको माउस का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक, समझ में आ गया। माउस का इस्तेमाल मैंने भी नहीं किया, ठीक है। एंड बटन दबाया, यहाँ आ गया। अब मैं क्या करूँगा, शिफ्ट दबाऊंगा और सिलेक्ट करना स्टार्ट करूँगा, सिलेक्ट हो गया। अब मैं क्या काम करूँगा, टैब मारूंगा, टैब मारूंगा तो चला जाएगा ये ऐसे किनारे। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मैं जानबूझ करके टैब मार दिया, और ठीक है, लेकिन ठीक तो यहाँ भी है, फिर भी मैं जानबूझ करके टैब मारा, अब ये ऐसा हो गया है, ठीक है। अब इसको एक टैब मेरे को पीछे लेके जाना है, ठीक, तो पीछे मैं लेके कैसे जाऊँगा, शिफ्ट के बाद टैब मार दूंगा तो पीछे आ जाएगा, ठीक। अब इसका अलाइनमेंट सेंटर होता है ना, तो क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस ई दबा दूंगा, हो जाएगा सेंटर, ठीक। अब क्या करूंगा, इसमें लाइन स्पेसिंग ज्यादा है तो क्या करूंगा, मैं ऑल्ट दबाऊंगा, ठीक है, एच दबा दूंगा, ठीक है। फिर लाइन स्पेसिंग कहाँ आपको दिख रहा है, पे में, ठीक है। अब यहाँ पे ए दबा दिया, खत्म हो गया लाइन स्पेसिंग, खत्म ना। चलिए जी बन गया। अब इसको चाहो तो आप प्रिंट प्रीव्यू दिखा दो कंट्रोल एफ टू दबा के, ठीक, बढ़िया दिख रहा है। अब कंट्रोल पी दबा दो, प्रिंटिंग हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ पेज का तो जरूरत नहीं है हमें, नंबर ऑफ कॉपी डाल दूंगा कुछ भी, अगर प्रिंटर सेलेक्ट करना है तो। ये देखिए पहुंच गया मैं टैब टैब दबा के, यहां से सेलेक्ट कर लूंगा प्रिंटर, ठीक है, फिर टैब मारूंगा, ये देखिए हाईलाइट हो रहा है ना, इसको देखना इसको, ठीक है, हाईलाइट हो रहा है, ये देखिए पेज डाल दूंगा, ठीक है। टैब शिफ्ट टैब मारा, पीछे चला गया, फिर टैब मारूंगा, आ जाएगा इधर, एंटर, कुछ डाल दूंगा, नंबर ऑफ पेज, ठीक है, कॉपी नंबर डाल दूंगा, और फिर मार दूंगा एंटर तो ओके बटन पे अपने आप यहाँ पे क्लिक हो जाएगा एंटर मारते के साथ, ठीक। अब वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक। तो बिना माउस का इस्तेमाल किया आप आवेदन लिख लेंगे, नहीं लिख सकते, कंट्रोल एफ टू दबाया था तो ए विंडो आया था, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को एमएस वर्ड खोलना है तो एस्केप बटन दबाऊंगा तो खुल जाएगा, एस्केप मैंने किया विंडोज आर दबाऊंगा, ओएसके एंटर, ठीक है। ये दिख रहा है आपको ये वाला बटन, इसको बोला जाता है एस्केप, दबाऊंगा तो क्या होगा, दिखा दे रहा हूँ, एस्केप दबाया तो ये देखिए हट गया, ठीक।
तो इस तरह से आप बिना माउस का इस्तेमाल किए आवेदन लिख लेंगे। ठीक, इस तरह का ये फॉर्मेटिंग सीख लिए आप लोग बनाना, तो मुझे लगता है कि इसमें डाउट नहीं होना चाहिए जी। अब किसी को कोई दिक्कत, आप लोग एक बार सारे लोग इस तरह का बना के फॉर्मेट देखिएगा। ठीक है, ये बहुत आसान फॉर्मेट है, सबसे बन जाएगा। मैं सुबह सो के उठा कि सोचा कि कुछ बना लूँ फॉर्मेट, लेकिन नींद आ गया फिर से सो गया। ठीक है, तो नहीं बना पाया मैं कुछ फॉर्मेट। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि आज रात में बना के सबको व्हाट्सएप कर सकूँ। ठीक है, कर पाऊँगा तो ठीक है, नहीं कर पाऊँगा तो यहाँ पे मैडम रहेंगी, उनसे पूछ लेना। ठीक, हाँ, तो ये ख़त्म हो गया आज का टास्क, ये वाला तो बना लिया हम लोग। अब इंसर्ट मेनू में हम लोग आ जाते हैं। ये लीजिए, ये कवर पेज। अच्छा, एक और शॉर्टकट अभी मेरे को याद आ रहा है, ये वाला जो है ना, इसका शॉर्टकट क्या है जी, सिलेक्ट कर लिया मैं कंट्रोल ए से आल, ठीक है, शिफ्ट दबाइए और F3, तो ये बारी बारी से सारा ऐसा चलेगा। ठीक, एक तो और याद आ गया, कंट्रोल शिफ्ट डी मारेंगे तो डबल अंडरलाइन आ जाएगा। ठीक है, डी कहाँ गया, प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, डी दबाएंगे तो आ जाएगा यहाँ से, और भी आ जाएगा, बाकी कभी याद आएगा तो बता दूंगा मैं, लेकिन जरूरत इतना में आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, आता है कवर पेज। जैसे मान लीजिए आप कुछ किताब वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, कुछ बुक्स वगैरह डिजाइन कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं तो खुद से बना सकते हैं अपना कवर पेज। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि कुछ बना बनाया कवर पेज मुझे मिल जाए, तो कहाँ से मिलेगा, कवर पेज पे आएंगे तो मिल जाएगा। जैसे ये है, ठीक है, मैं ये किताब जैसा कुछ बनाया था शॉर्टकट बटन का, तो मैं यही कवर पेज इस्तेमाल किया था। यहाँ पे कुछ कंपनी का नाम लिख दीजिए, ठीक है, जैसे CMPUTER, सही लिखा हूँ, PUTER, ठीक है, ये मेरा कंपनी है। डॉक्यूमेंट का नेम कुछ भी डाल दूंगा, ठीक है, टाइट सब टाइटल, फिर यहाँ पे ऑथर, यहाँ पे डेट डाल दूंगा, ठीक है, और फिर मेरा ये कवर पेज बनके तैयार हो जाएगा। और जो किताब बना रहा हूँ उस किताब के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा कवर पेज इस तरह का बनके तैयार हो गया। मैं चाहता हूँ कि जी ये कवर पेज सही नहीं है, ये वाला डाल दूँ, तो इसको भी डाल सकता हूँ ऐसे, किस ईयर में किताब बना, और किताब के बारे में और कुछ लिख दूंगा। ठीक है, मान लो कि मुझे कोई भी कवर पेज पसंद नहीं आ रहा है, तो बोल दूंगा भाई रिमूव हो जाओ तुम, हमको तुम्हारा ज़रूरत नहीं है, जो करना है कर लो, हम तो तुमको रखेंगे नहीं। ठीक, आगे चलें, इसको कहते हैं ब्लैंक पेज। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देख लो एक पन्ना है, ठीक है, क्लिक कर दिया मैं, दूसरा पन्ना आ गया, फिर क्लिक कर दूंगा, तीसरा पन्ना आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, नया पन्ना लाने के लिए उस पर क्लिक कर देंगे, इसका शॉर्टकट बटन है कंट्रोल एंटर। ठीक, चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां, मैं थोड़ी देर दबाए रहूंगा तो 1000 पन्ना बन जाएगा। 1000 बना नहीं, 57 ही पन्ना बन पाया अभी, तो मैं जल्दी से जो है बंद कर दिया बनाना। ठीक है, और कंट्रोल ए दबाया और बैक स्पेस दबा दिया तो सारा पन्ना डिलीट हो गया एक ही साथ। ठीक है, तो ब्लैंक पेज पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, पेज ब्रेक होता है। पेज ब्रेक करने का शॉर्टकट बटन कंट्रोल प्लस एंटर। ठीक, यहाँ पे देखिए लिखा भी है पेज ब्रेक। ठीक है, इस पे भी क्लिक करोगे तो ये पेज ब्रेक हो जा रहा है। ठीक है, ये देख लीजिए 8 पेज आ गया यहाँ पे, कंट्रोल एंटर दबाएंगे तो पेज ब्रेक भी हो जाएगा। ठीक है, और इस पे भी क्लिक करेंगे तो ब्लैंक पेज एक तो आपके सामने आके प्रस्तुत हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आता है टेबल। टेबल को मैं बताने लगूंगा तो इसमें लेट होगा, फिर इतना सब मैं कैसे बताऊंगा, नो प्रॉब्लम, देखते हैं जितना होगा।
उसके बाद आ जाता है टेबल। ठीक, अच्छा मेरे को ये बताओ आपकी ये तीनों में तो कुछ दिक्कत नहीं आएगा, बहुत आसान सा चीज है, नहीं आएगा ना। टेबल देख लेते हैं, टेबल माने क्या, यहाँ पे आप जितना बड़ा चाहे टेबल बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए सिलेक्ट करूंगा, टेबल आके रेडी हो जाएगा। ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि यहां से टेबल को तोड़ दूं। ठीक है, तो क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारा, टेबल टूट गया। ठीक, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, टेबल टूट गया। ठीक, इसको ले लाऊंगा मैं नीचे, बोलूंगा चल इधर आ, तो जरूरत नहीं है तेरा ऊपर। ठीक, तो मैं जेड कंट्रोल जेड, अंडू और रीडू मैं नहीं बताया ना, बताया अंडू का माने क्या होगा, एक एक स्टेप्स पीछे आना। ठीक, मैं कंट्रोल एन दबा के नया डॉक्यूमेंट खोलता हूँ, ये देखिए कुछ मैं टाइप किया, कंट्रोल जेड दबाऊंगा पीछे आ गया, फिर जेड दबाया पीछे आ गया, फिर जेड दबाया तो पीछे आ गया। ठीक है, मतलब एक एक एक्शन पीछे आता है कंट्रोल जेड से। ठीक, और कंट्रोल जेड से अगर आप पीछे आ चुके हैं, ठीक है, तो फिर से आगे जाना है आपको। मान लीजिए गलती से मैं ज्यादा आ गया पीछे, ठीक है, तो फिर मेरे को आगे जाना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस वाई दबाएंगे, तो ये देखिए आ रहा है, आ गया। तो कंट्रोल जेड से अंडू और कंट्रोल वाई से रीडू। ठीक, पक्का पूछा जाएगा आपसे वाइवा में, वाइवा में तो पक्का पूछ लेगा। ठीक है, हो सकता है ऑप्शनल एग्जाम में भी पूछा जाए, उसमें भी एकदम है कि पूछ लेगा। ठीक है, अंडू और रीडू का इस्तेमाल काफी होता है। ठीक है, ये यहाँ पे भी आपको मिलेगा, ये देखिए अंडू करेंगे तो यहाँ पे ऐसे हो रहा है। ठीक है, ये देखिए ऑटो करेक्ट, बाकी बाकी चीजें। ठीक है, तो ये अंडू है और आप काम करेंगे तो अंडू रीडू और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करके मैं तोड़ा था। ठीक है, अब कंट्रोल एंटर करेंगे तो टूटेगा, लेकिन टूटा हुआ जो टेबल है वो चला जाएगा अगले पेज पे, पेज ब्रेक करके अगले पेज पे पहुंचा देगा आपका टूटा हुआ टेबल को। ठीक, चलिए जी आगे चलते हैं, और टेबल में क्या रखा है, इसको मैं कट कर देता हूं, कट हो जा भाई। चलिए इतना टेबल बना लिया। ठीक है, ये जो है ना, ये वाला ऊपर से जो नीचे लाइन है इसको बोला जाता है कॉलम। ठीक, ये वाला जो लाइन है ऊपर से नीचे, ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, ठीक है, ये है कॉलम, और जो ये वाला लाइन है ये ऐसे लेफ्ट से राइट दाएं बाएं, इसको बोला जाता है रो। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि आपको 10 रो और 10 कॉलम आपको इंसर्ट करना है, तो ऐसे करेंगे। ठीक है, तो ऐसे इंसर्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देखना, बताता है ना रो और कॉलम। ठीक, मेरे को 10 रो कॉलम चाहिए। ठीक है, तो इसमें तो 10x8 ही है। ठीक है, तो क्या आप करोगे, यहाँ पे आओगे इंसर्ट टेबल में। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ कॉलम, मैं बोल देता हूँ जी 5 मेरे को नहीं चाहिए, 3 दे दो। ठीक है, 3 कॉलम देगा, मैं चाहता हूँ कि 2 रो भी दे दो जी। ठीक है, 2 रो दे दिया। ठीक, 1 रो 2 रो। ठीक, ये जो लाइनिंग है ना, लाइनिंग तो 3 है, लेकिन 2 रो 2 है, क्योंकि 2 जगह पे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे हेडिंग आप लिखेंगे कुछ भी, जैसे मैं कुछ ठीक ठाक लिखता हूँ। ठीक है, हेडिंग डाल दिया, अब यहाँ पे नाम लिखना शुरू कर दूंगा, जो भी नाम है, एक्स वाई जेड, जो भी क्लास हो। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया, मुझे अगला रो लाना है, तो क्या करूंगा, टैब, टैब बटन दबाऊंगा मैं, तो अगला रो आ जाएगा। ठीक, टैब मारा, अगला रो आ गया। ठीक है, यहाँ पे टाइप किया, मेरे को इस वाले सेल में जाना है, मारा टैब, इसमें आ गया, फिर टैब मारूंगा, इसमें आ जाऊंगा, फिर टैब मारूंगा, नया इंसर्ट हो जाएगा ऐसे। ठीक, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे चलें। सबको मैं सिलेक्ट किया और डिलीट बटन दबा दिया, तो सारा कंटेंट जो है डिलीट हो गया। ठीक है, ये जो एक एक ठो बॉक्स है, ठीक, इस एक एक ठो बॉक्स को क्या कहते हैं, सेल। ठीक, पूछा जाएगा आपसे कि सेल किसे कहते हैं, सेल बनता किसे है, तो कहना रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से, मतलब रो और कॉलम के मिलान से जो चौकोर डब्बा बनता है, आयताकार डब्बा बनता है, चाहे जैसा डब्बा बने,
जो डब्बा बनता है रो और कॉलम से उसको कहते हैं सेल। ठीक, तो ये आपका सेल है। ठीक है, इसको आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, यहां से ऐसे बड़ा छोटा। ठीक है, क्लियर, ऐसे कर लेना। मैं चाहता हूं कि टेबल को और नीचे ले लाऊं क्योंकि मुझे यहां पे कुछ लिखना है ऊपर में, तो क्या करूंगा, इसको पकड़ के ले लाऊंगा खींच के नीचे ऐसे। ठीक, अब यहां पे जगह खाली हो गया, यहां पे कुछ भी लिख दूंगा जैसे स्टूडेंट लिस्ट। ठीक भाई, पहले मैं भूल गया था कि किस चीज का लिस्ट बना रहा हूं, या स्टूडेंट लिस्ट लिखना भूल गया था, पहले टेबल ही बना दिया। अब टेबल बनाने के बाद मन किया कि लिख दूं तो लिख दिया मैं। ठीक, तो ऐसा आप कर लोगे, बड़ा आसान है जी। चलिए, कंट्रोल ए दबा के बैक स्पेस दबा दिया तो हट गया। ठीक है, चलिए फिर से एक टेबल इंसर्ट करते हैं। टेबल को डिलीट करना है तो आप क्या करोगे, बड़ा आसान, मैं जैसे पहले डिलीट कर दिया, मैं ये देखिए सेलेक्ट किया, मार दिया बैक स्पेस, हट गया टेबल। ठीक है, एक से ज्यादा टेबल में ले लाता हूं, कर्सर मेरा यहां था तो यहीं ला दिया टेबल सबको, इसको डिलीट करता हूं मैं। ठीक है, कर्सर नीचे में लाया, अब यहां पे आया, ये देख लीजिए। ठीक, इसको मैं सिलेक्ट करके ऐसे करूंगा तो डिलीट हो जाएगा। ठीक, बैक स्पेस दबाता हूं तो डिलीट हो जाता है। ठीक है, अब यहां पे टेबल इंसर्ट में और क्या ऑप्शन है जी, यहां पे कुछ है ऑटो फिट बिहेवियर। ठीक है, ऑटो फिट का क्या मतलब है जी, थोड़े से देर में समझा दे रहा हूं मैं। ठीक है, ऑप्शन यहां पे कुछ है जैसे फिक्स्ड कॉलम विड्थ, ऑटो फिट कंटेंट्स, ऑटो फिट टू विंडो। ठीक है, विंडो का मतलब ये इतना बड़ा विंडो दिख रहा है, ये वर्ड पन्ना को समझ लो कि पेज जो है वो विंडो है। ठीक है, लेकिन देख लेते हैं ड्रॉ टेबल। मैं क्या चाहता हूं कि मैं टेबल अपने मन के अनुसार ड्रॉ कर लूं। ठीक है, एक ठो पेन का साइन अब आ गया जी, इसमें करूंगा ऐसे, ये टेबल ड्रॉ हो गया। ठीक, ऐसे पकड़ के खींच लूंगा ऐसे। ठीक, ऐसे पकड़ के खींच लूंगा इसे। ठीक है, ये तो बड़ा आसान है जी, है ना, ऐसे पकड़ के अपने इच्छा अनुसार जितना मेरे को लंबा चौड़ा बनाना होगा टेबल में बना लूंगा। ठीक, डबल क्लिक मारा यहाँ पे, मेरा माउस पॉइंटर खत्म हो गया पेंसिल का। अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, टैब मारूंगा तो ये भी बड़ा छोटा होगा। ठीक है, इसको भी मैं सेलेक्ट करके डिलीट मारा। ठीक है, फिर देखते हैं ड्रॉ टेबल तो ठीक है, उसके बाद क्या है, एक्सेल स्प्रेडशीट। आप चाहते हैं कि एक्सेल वाला टेबल इसमें आ जाए तो यहाँ पे एक्सेल वाला टेबल भी आ जाएगा, लेकिन आप अभी एक्सेल पढ़े नहीं हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा एक्सेल माने क्या। ठीक है, इसलिए मैं इस एक्सेल को डिलीट मारूंगा। अब डिलीट हो जा भाई, तुम्हारा जरूरत नहीं है मुझे। उसके बाद आता है क्विक टेबल। क्विक टेबल में क्या है, तुरंत से टेबल बन जाए, एक कैलेंडर वगैरह टाइप का है, क्या बात है, बड़ा डिजाइन से बन गया भाई, ये देखिए ऐसा कैलेंडर आ गया। ठीक है, और क्या क्या है, और डिजाइन वगैरह है जो है इसमें ऐसा। ठीक है, कुछ इस तरह का। चलिए टेबल के बारे में और थोड़ा पढ़ते हैं, इतना बड़ा मैं बना लिया। ठीक है, अब जैसे ही ऐसा टेबल बना वैसे ही, जैसे मान लीजिए ऐसा है, ठीक है, टेबल बनते के साथ ये वाला ऑप्शन खुल जाता है ना, टेबल टूल और डिजाइन ऑप्शन खुल जाता है, यहाँ पे सारे ऑप्शंस देखिए जैसे आ जाते हैं। ठीक है, अब मैं माउस यहाँ से, यहाँ जहाँ कर्सर है ना, यहाँ पे क्लिक कर दिया, वो सारा डिजाइन खत्म हो गया। अब दोबारा लाना है तो क्या करेंगे, टेबल में कहीं भी क्लिक कर दो, ये डिजाइन आ जाएगा जी। ठीक है, यहाँ पे आ गया, अब ये हट गया था डिजाइन, लेकिन फिर भी टेबल टूल में क्लिक करूंगा तो ये डिजाइन जो है खुल जाएगा। ठीक है, अब डिजाइन में क्या है, हेडर रो, ये देखिए। ठीक, आप यहां पे इफेक्ट देखना। ठीक है, ये देखो आ रहा है, तो यही है, हेडिंग कुछ डालता हूं। सब्जेक्ट लिख दूं, यहां
पे क्या लिखूँ, एड्रेस, ठीक। टोटल रोज ए, इसमें अप्लाई करूंगा ना इफेक्ट, तब आपको समझ में आ जाएगा शायद। ये देखिए इसका मतलब ये है, ठीक है। इसमें क्लिक करेंगे तो ये देखिए रोज जो है टोटल इसमें आ जाएगा। मैं टैब मार के बहुत ज़्यादा रो बना लेता हूँ, ठीक है। तो इस वाले में क्लिक करूँगा ना तो ये देखिए ये इफेक्ट्स वगैरह आ रहे हैं। बैंडेड रो इस पर क्लिक कर देंगे तो गायब हो जाएगा ये पूरा। ये डिजाइन है जो है टेबल का, ठीक है। ऐसे कुछ जैसे टेबल बना है ना, तो टेबल बन गया ये, ठीक है। हेडिंग में तो कॉलम दिखाई देगा लेकिन इधर दिखाई, हेडिंग में तो रो दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें रो दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये क्या है, डिजाइन है टेबल का, ठीक। ऐसे कर देंगे तो ऐसा आ जाएगा, जैसे बड़ा टेबल है तो इस लाइन को देखते देखते इस लाइन में पहुंच गए, ठीक भाई। ज्यादा कॉलम रहेगा तो पहुंच जाएंगे ना, तो इसीलिए डिजाइन है कि ऐसे देखते जाए तो कलर रहेगा तो हम भूलेंगे नहीं, ठीक है। फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, ये बोल्ड होगा या नहीं होगा उसको बोल रहा है। देखिए यहाँ पे भी बोल्ड हो गया लास्ट वाला, हटा दूंगा तो नहीं होगा। फर्स्ट कॉलम देखिए जैसे बोल्ड है, ठीक है, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो अनबोल्ड जो था वो गायब हो गया। बैंडेड पे क्लिक करेंगे तो ये डिजाइन आ जाएगा, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तो मैं करूँगा ही नहीं अब, ठीक है। ये है कुछ टेबल का फॉर्मेट्स, ठीक है, किस स्टाइल में, किस डिजाइन में आप टेबल को रखना चाहेंगे, ठीक है, कौन सा डिजाइन आपको पसंद आता है। इसमें क्लिक करेंगे, मैं किस में क्लिक किया, इसमें वाले में, ठीक है। इसमें क्लिक करेंगे तो और ज़्यादा डिजाइन आ जाएगा। वाह क्या बात है, कमाल का डिजाइन है जी, ठीक है। ये देखिए ऐसा डिजाइन वगैरह आ जाएगा, ठीक है। तो जो डिजाइन जरूरत के हिसाब से जो पसंद आए आपको, ठीक है, वो डिजाइन जो है आप अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने डिजाइन अप्लाई तो किया लेकिन आपको पसंद नहीं आया, ठीक है, क्या करेंगे, क्लियर कर दो यार, गायब हो जा तू, सब सारा गायब हो गया फॉर्मेटिंग्स, ठीक है। नॉर्मल फॉर्मेटिंग चाहिए तो इसमें आप क्लिक कर दीजिएगा, नॉर्मल फॉर्मेटिंग आ जाएगा, ठीक है। इसमें तो दिक्कत नहीं लगता मुझे। न्यू स्टाइल पे करेंगे तो आप यहाँ से स्टाइल जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, पैराग्राफ, कैरेक्टर, बाकी बाकी में, ठीक है। इसको आप एक्सपेरिमेंट एक बार करना, ठीक है, फॉन्ट वगैरह क्या क्या होगा एक्सपेरिमेंट करना, जितना समझ में आएगा ठीक है, नहीं आएगा तो बता, ठीक। एक ऑप्शन तो और मुझे दिखा था लेकिन मैं क्लिक नहीं किया उसको। फॉर्मेट्स, टेबल का प्रॉपर्टी वगैरह, फंट वगैरह, पैराग्राफ, टैब, वो सब का फॉर्मेट के बारे में ये बोल रहे हैं, ठीक है। इसको मैं डिलीट किया, फिर से एक टेबल ड्रॉ कर लिया। अब देखना, मैं ड्रॉ किया ना ऐसे, ऐसे कर लिया, ऐसे और ऐसे, एक ठो कॉलम ऐसे बना लेता हूँ। अब मुझे डबल क्लिक मारा यहाँ पे, गायब हो गया वो पेन का साइन। अब मैं, मुझे अब ये समझ में आया कि ये वाला जो लाइन खींचा था ना ऐसा, ये एक ठो एक्स्ट्रा लाइन आ गया, तो क्या करूँगा, इरेज, इरेज टेबल पे क्लिक करूँगा इस पर, और इस पे आके क्लिक कर दिया, गायब हो गया जी, गायब हो गया ऐसा, ठीक है। इस पे क्लिक करके, ऐसे क्लिक करके ही खींचूंगा, ठीक है, तो पूरा गायब हो जाएगा, ठीक है। जैसे पहले तो एक एक ठोका हुआ ना, यहाँ पे डबल क्लिक करके पकड़ के खींच लिया नीचे तो पूरा गायब हो गया, ठीक। इस पे क्लिक करूंगा तो ऐसे गायब हो जाएगा, इस पे क्लिक करूंगा तो हो गया भाई सब गायब, ठीक है। अब मेरे को दोबारा ड्रॉ करना है तो इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ पेन का कलर है, मैं जो कलर चाहूँ यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और फिर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप रंग बिरंगा कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मैं कर ले रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ब्लू वाला कलर आए, ऐसे ड्रॉ करूँ मैं, ठीक है। ये गलती से यहीं तक छूट गया तो इसको ऐसे खींच लूँगा, ठीक है, बन जा रहा है, कितना आसान है। लेकिन अब मेरा इच्छा ये है कि ए टेप कॉलम को इरेज करता हूँ, ठीक है, इस वाले को इरेज कर दिया,
ठीक है, फिर से पेन पे क्लिक कर दिया मैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा, ठीक है, ब्लर दिख रहा है या फिर मुझे ब्लर आ रहा है कि सभी को ब्लर आ रहा है? ठीक हुआ, पहले से तो कुछ अच्छा लग रहा है, शायद प्रोजेक्टर का वैलिडिटी लगता है कम हो रहा है। इस पे मैं क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे कितना मोटा चाहिए मेरे को, ठीक है, वो यहाँ से मैं ले लूँगा, ठीक है, खींचा, अभी देखिए थोड़ा सा आ गया, ठीक है। अब मैं इस पे क्लिक करूँगा, ठीक है, तो जो वहाँ पे बॉर्डर था ना, वही बॉर्डर इधर पे भी आ गया, ठीक है। डबल क्लिक किया, पेन का साइन गायब हो गया, ठीक है। ये बैकग्राउंड वगैरह पूरा आप देख लेना, ठीक है, पूरा सेलेक्ट करता हूँ मैं, ठीक है, सेटिंग में जाके पूरा बैकग्राउंड वगैरह कैसा होगा, मोर कलर पे जाएंगे तो और ज़्यादा कलर वगैरह आ जाएगा, ठीक है, तो ये आप देखना, ठीक। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे करता हूँ राइट क्लिक, ठीक, कट कॉपी पेस्ट सेम वैसा ही काम करेगा। पेस्ट रो में क्लिक करूँगा तो रो देखिए पेस्ट हो गया, पहले जो कट किया था ना एक बार, तो वही वाला जो है ये आ रहा है, ठीक है। राइट क्लिक करूंगा, इसको तो मैं डिलीट कर लेता हूँ, कलरिंग कर दिया हूँ, लाल पीला हरा तो मुझे पसंद नहीं आ रहा है, ये आ गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया मैं नेम क्लास एड्रेस मोबाइल, ठीक है, ये हेडिंग है, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया कुछ नाम वगैरह, अमित क्लास में DCA, एड्रेस में इंडिया, मोबाइल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक, ये आ गया। अब मेरे को अचानक से याद आया, ठीक है, क्या याद आया, ये जो एड्रेस है ना, यहाँ पे एक ठो कॉलम और चाहिए, किस लिए, पिन कोड के लिए। राइट क्लिक करूँगा, इंसर्ट पे जाऊँगा और जहाँ ये देखिए यहाँ पे आइकन दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो जहाँ पे आपका कर्सर है उसके अगर इधर चाहिए, गुड मॉर्निंग मैडम जी, इस पर क्लिक कर दूँगा तो ये आ जाएगा। मैं क्या क्या बताया सब भूल गया, जो छोड़िए, ठीक है। राइट क्लिक, टेक बॉर्डर एंड साइडिंग में तो ये बता दिया मैं, ठीक है, रिपीट कर देता हूँ ताकि रिकॉर्ड भी हो जाए, नहीं तो आप लोग बाद में गाली दोगे कि पॉज करके बता दिया। ये देखिए आ गया यहाँ पे ऐसा, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ ऐसे ऐसे, और फिर इसको मैं ले लूँगा, ठीक, यहाँ पे आ जाऊँगा और कर दूँगा ओके, तो आ जाएगा ऐसा, ठीक है। फिर से यहाँ पे राइट क्लिक, बॉर्डर एंड साइडिंग, ठीक है, यहाँ से आप कलर वगैरह चॉइस कर लोगे, मैं ये कलर ले लूँगा तो आ जाएगा, यहाँ पे विड्थ भी इसका बढ़ा लोगे, ऐसे कर दोगे ऐसे तो ऐसे हो जाएगा, नहीं हुआ, हुआ क्यों नहीं, इसको होना चाहिए था जी, विड्थ ज़्यादा कर देता हूँ, कलर को कर देता हूँ ये, अब तो ये जाना चाहिए, प्रॉब्लम इसको क्या आ रहा है, डिलीट हो, ठीक है, अब करूँगा तो हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए आ गया, ठीक है, तो ये तो मैं बता भी दिया था आपको, बस रिज्यूम रिकॉर्ड नहीं रिज्यूम हो पाया था, इसमें दिक्कत आना नहीं चाहिए, नहीं आएगा ना पीछे, हाँ ना, एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, ना प्रॉब्लम आया तो बताइएगा। ये है पेज बॉर्डर, पेज का बॉर्डर कैसा होना चाहिए, ठीक है, मैं बोल दिया 3 लाइन बॉर्डर हो,
ठीक है, और कर दूंगा ओके। तो ये देखिए पेज में भी तीन लाइन बॉर्डर आ गया ना, तो वो था पेज का बॉर्डर। पेज लेआउट में भी आप उसको पढ़ोगे, ठीक। अप्लाई किस किस में अप्लाई करना है, ठीक है। वर्ड डॉक्यूमेंट में मतलब सारा हो जाएगा, द सेक्शन मतलब सेक्शन वाले में होगा, सिलेक्शन वाले में होगा, सेक्शन वाले में, ठीक है। इसको मैं पेज लेआउट में और बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक चीज मैं बताना आपको, ऑटो फिट नहीं बताया ना, अलाइनमेंट तो बता दिया। अलाइनमेंट जिस जहां पे टॉप में यहां पे क्लिक कर दूंगा तो सेंटर आ जाएगा, ठीक है जी। आते हैं ऑटो फिट में। ऑटो फिट का मतलब ये है ना कि जैसे देखिए ये जो मेरा कंटेंट जो मैं लिखा हूं, ठीक है, लिखा हूं, ये तो जो है कमी है, लेकिन टेबल ये जो रो है ना, इसका रो कॉलम इसका विड्थ जो है ज्यादा है, ठीक। तो मैं क्या करूंगा कि यहां पे आऊंगा, राइट क्लिक करूंगा और कर दूंगा ऑटो फिट, ठीक। ऑटो फिट अगर कंटेंट करता हूं मैं, ठीक है, तो क्या होगा, कंटेंट के अकॉर्डिंग जो है फिट हो जाएगा, ठीक। फिर राइट क्लिक करूंगा, ऑटो फिट में आऊंगा, ऑटो फिट विंडो करूंगा, तो पूरा इस विंडो के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। फिर ऑटो फिट में आऊंगा, फिक्स्ड कॉलम विड्थ इसमें करूंगा, तो कॉलम का जितना विड्थ है उस हिसाब से फिक्स कर देगा पूरा कॉलम का विड्थ, ठीक है। तो ये कहलाएगा ऑटो फिट। इंसर्ट कैप्शन, कैप्शन में कुछ क्या मैं लिखता स्टूडेंट, ठीक है। तो ये देखिए टेबल वन स्टूडेंट आ गया, ठीक है। टेबल का नाम वगैरह यहाँ पे लिखा जाता है कैप्शन में, ठीक है, वही है, वैसे कुछ इसका खास जरूरत पड़ता नहीं। उसके बाद है टेबल का प्रॉपर्टी, ठीक है। टेबल का प्रॉपर्टी में भी वही है, टेबल में लेफ्ट राइट टॉप डाउन जो अलाइनमेंट का वही है, रो में वही है, कॉलम सेल, ठीक है, जो मैं राइट क्लिक करके आपको बताया पूरा, ठीक है। अब क्या करता हूं मैं कि इस टेबल को डिलीट करता हूं, कुछ और देखते हैं। ठीक है, डिजाइन है, ये डिजाइन वाला तो पूरा कंप्लीट हो चुका ना टेबल का। आता हूं मैं लेआउट में, ठीक, लेआउट में आऊंगा तो यहां पे देखिए प्रॉपर्टी पे क्लिक करूंगा तो टेबल का प्रॉपर्टी खुल जाएगा। सेलेक्ट पे क्लिक करूंगा तो सेलेक्ट हो जाएगा सेल वगैरह, रो सेलेक्ट हो जाएगा पूरा, ऐसे सेल करूंगा तो सेल पे सेलेक्ट होगा, ठीक है। जैसे सेल सेलेक्ट किया तो सेल हो गया सेलेक्ट, ठीक है। पूरा टेबल सेलेक्ट करूंगा तो सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है यहाँ से, ठीक। उसके बाद आया डिलीट, ठीक है ना, डिलीट क्या करना चाह रहे हो आप, जैसे पूरा मैं सेलेक्ट किया, यहाँ पे मेरा कर्सर है, ठीक है, यहाँ पे आया डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट टेबल, डिलीट कॉलम पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे एक कॉलम था वो पार हो गया, यहाँ पे जैसे पहले लिख लिया मैं कुछ, ठीक है, यहाँ पे मेरा कर्सर है, डिलीट कॉलम पे किया तो कॉलम पार हो गया, ठीक है। ये वाला रो है इस, ठीक है, इस रो में कर्सर है मेरा, यहाँ पे आया डिलीट रो कर दूंगा तो रो पार हो जाएगा, तो यहां से डिलीट किया जाता है, ठीक है। यहां का जो सेल था वो भी मैं डिलीट कर दिया, डिलीट सेल में क्लिक करके एक और सेल डिलीट कर दूं, ये देखिए डिलीट सेल है, क्लिक मारूंगा और ये देखिए शिफ्ट सेल लेफ्ट, ठीक, मतलब क्या होगा, डिलीट कर देगा तो ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इस पर क्लिक कर दूंगा, अब होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, हो गया इंटरनली हो तो, ठीक है। रो कॉलम को भी हो जाएगा, लेफ्ट वाले में क्लिक करूंगा तो देखिए ये भी डिलीट हो गया, इस सेल को भी डिलीट करूंगा तो ये भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ से आप रो कॉलम को डिलीट कर सकते हो, पूरा टेबल में क्लिक करूंगा तो पूरा टेबल ही डिलीट कर देगा, ठीक है। फिर से मैं लेआउट में आऊंगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद
इंसर्ट, ठीक, इस पर क्लिक करूंगा तो रो इंसर्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे आया, यहाँ पे आइकन देखिए, ठीक है, इंसर्ट करेगा ये नया रो, ये देखिए आ गया। जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ और यहाँ पे मेरा यहाँ पे भी लिख दिया, कर्सर यहाँ पे लाया मैं और कर रहा हूँ इंसर्ट, ठीक है, तो ऊपर एक ठो रो इंसर्ट कर दिया, ठीक ठीक है ना। यहाँ पे मेरा माउस है, यहाँ पे टॉप वाले में, ये तो सिर्फ रो इंसर्ट कर रहा है, ये देखिए इंसर्ट रो बिलो मतलब नीचे, ये लेफ्ट में इंसर्ट करेगा, कर्सर के लेफ्ट में रो इंसर्ट करेगा, एक कर्सर के राइट में करेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखा, ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये और ये कॉलम है इन सब के बीच में इंसर्ट हो जाए, तो हम राइट क्लिक करके भी यहाँ से इंसर्ट करते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ से भी कर सकते हो। अब मैं लेफ्ट में चाहता हूँ, ठीक है, इसके लेफ्ट में चाहूंगा तब तो बीच में आएगा ना, तो लेफ्ट में क्लिक किया तो ये देखिए बीच में आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी मैं कुछ लिख देता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि ए वाला और ए वाला इनके बीच में आए, ठीक है, तो कर्सर अगर मेरा यहाँ पे है तो राइट क्लिक करूंगा, यहाँ से भी मैं इंसर्ट करता था ऐसे, और यहाँ से भी चाहूंगा तो राइट से इंसर्ट कर दूंगा, ये देखिए, ठीक है, इंसर्ट राइट, इंसर्ट लेफ्ट, ये रो इंसर्ट करेगा नीचे और ये करेगा ऊपर, ये ऊपर कर रहा था, ये कर देगा नीचे। क्लिक करूं, इंसर्ट करूं, ये देखिए पहले एक ठो था, अब दो ठो रो हो गया, ठीक। तो रो कॉलम तो इंसर्ट आप लोग कर ही लोगे ऐसे, ठीक है। मान लीजिए मेरे को इतना मर्ज करना है, ठीक, मर्ज पे जाऊंगा, यहाँ पे मर्ज पे क्लिक कर दिया, मर्ज हो गया। अब मेरे को याद ही आ रहा है ना कि गलती से जो है वो मर्ज किया था मैं, ठीक है, मेरा जैसा टेबल पहले था वैसा मेरे को दोबारा चाहिए, ठीक, तो मैं क्या करूंगा, स्प्लिट सेल पे क्लिक कर दूंगा, ठीक। अब ये पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो, तो रो एक ही रहने दो, कॉलम को दो करके ये कर दिया, तो ये एक ही आया है। कंट्रोल जेड मारता हूँ, फिर से मैं स्प्लिट पे जाऊंगा, मैं यहाँ पे देखूंगा एक कॉलम दो कॉलम, ठीक है, यहाँ पे तीन कर देता हूँ, तीन लाइन खींचेगा तब तो होगा, ये देखिए तीन हो गया, लेकिन ये ऐसा आ गया तो इसको आप ऐसे कर लो, बराबर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक। स्प्लिट मतलब तोड़ना, ठीक है, और मर्ज मतलब जोड़ना, ठीक। तो स्प्लिट मतलब स्प्लिट कर रहा हूं तो क्या कर रहा हूं, एक सेल को एक से ज्यादा सेल में डिवाइड कर रहा हूं, मतलब तोड़ रहा हूं, ठीक है। तो मर्ज और स्प्लिट समझ में आ गया होगा शायद। यहां पे अपना कर्सर लाता हूं और ये है स्प्लिट टेबल, क्लिक कर दिया जी, टेबल जो है टूट गया। सबसे पहले मैं क्या शॉर्टकट मारा था, भूल गया, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, देखते हैं जी, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, हाँ यही था। तो टेबल को स्प्लिट करना है तो कैसे करेंगे आप, टेबल में आ जाएंगे, कहीं पे भी क्लिक करेंगे, टेबल इसमें आएंगे, लेआउट में आएंगे और फिर स्प्लिट वाले पे क्लिक कर देंगे तो हो जाएगा। ऑटो फिट का ऑप्शन यहाँ पे भी है, मैं राइट क्लिक करके लाया था, ठीक, आप यहाँ से भी ले लाओ, तो ये ऑटो फिट वही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर, ये अलाइनमेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे जिस अलाइनमेंट में क्लिक करूंगा उसी अलाइनमेंट में चला जाएगा, ठीक है, वही अलाइनमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह है, ठीक है। मल्टीपल को सेलेक्ट किया बोला तो फिर इस पे मैं क्लिक कर दिया, मल्टीपल पे क्लिक किया, सिलेक्शन मल्टीपल रोज ले न भाई, कर दे रहा हूं, शायद कुछ काम विड्थ वगैरह के लिए ये है, ठीक है, ये देख लो, अच्छा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, देख लो, डिस्ट्रीब्यूट मतलब अलग कर देना, ठीक है। मैं जेड मारता हूँ पहले तो पूरा, और इसको भी डिलीट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे आया, कर दिया ये, ठीक है। इतना को सेलेक्ट करता हूँ, लेआउट में आता हूँ और कर देता हूँ क्लिक, ठीक। अब इस पे मैं कुछ भी करूँगा, ठीक है, ये देखिए
हो रहा है कम ज़्यादा, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है इसलिए हो रहा है, ठीक है। ये ऊपर से नीचे का हाइट को बढ़ा रहा है, ठीक है। और फिर वैसे ही इसको सिलेक्ट मैं करूँगा तो इसमें भी वैसे ही काम करेगा, ठीक है। यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हम लोग कर दिए थे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन भी उम्मीद है ऑटो फिट भी समझ में आ गया होगा, अलाइनमेंट भी बता ही दिया मैं, ठीक है। ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे कर देता हूँ, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको कर देता हूँ, ये बीच में है, इसको कर देता हूँ इधर, ये आ जाएगा सेंटर में और ये आ जाएगा इधर, इसको कर देता हूँ ऐसे, ठीक। अब क्लियर आ रहा है ना अलाइनमेंट, तो ऐसा ही अलाइनमेंट बन जाएगा। टेक्स्ट डायरेक्शन भी शायद मैं बता ही दिया हूँ, किसी भी सेल पे आऊँगा और ये देखिए यहाँ पे आ गया ना डायरेक्शन पूरा, ये देखिए क्लिक करूँगा तो ये देखिए डायरेक्शन बदल रहा है, बदल रहा है ना, दिखाई दे रहा है। मैं जूम करूँ, जूम करने का ज़रूरत नहीं, चलिए जी ऐसे ही। अब जैसे टेक्स्ट का डायरेक्शन बदले तो यहाँ पे अलाइनमेंट भी बदल जाएगा, ठीक है ऐसे, ठीक। तो ऐसे आप बदल लेना जी अलाइनमेंट, ठीक है। मर्ज सेल, इसको भी तो बता ही दिया था मैं, ऐसे पकड़ो और यहाँ पे कर दो मर्ज, ये सेल मार्जिन है यार, मुझे मर्ज में पढ़ा है, गलत पढ़ दिया, ठीक है। सेल का मार्जिन के बारे में वो बता रहा है, ठीक है, मतलब कितना छोड़ना है आगे पीछे लेफ्ट राइट टॉप डाउन, ठीक है। सेल का मार्जिन क्या होगा, देखो टॉप में कितना छोड़ना है, जैसे इस पे मैं आता हूँ, ठीक है, इस वाले पे और यहाँ पे आया, ठीक है, टॉप से जीरो बोल रहा है ना, मैं कुछ ज़्यादा छोड़ता हूँ, ठीक है। ये देखिए आ गया, छोड़ दिया ना इतना, और ज़्यादा अगर मैं छोड़ूंगा ना तो ये देखिए और नीचे आ गया, तो ये मार्जिन मैं छोड़ा हूँ, ठीक है। हो सकता है कोई कन्फ्यूज करे आपको कि जी मैं तो टॉप में ऊपर ले जाना चाह रहा हूँ तो ये नीचे ही क्यों है, ठीक है। तो ये मार्जिन से आप यहाँ पे मार्जिन चेक कर लिया करना एक बार कि मार्जिन कितना है ऊपर से, ठीक है। लेफ्ट राइट टॉप डाउन सारा मार्जिन जो है इस सेल में है, ठीक। मैं इस टेबल को डिलीट करके नया टेबल फिर से बनाता हूँ अब एक तो, ठीक है। सेलेक्ट किया सबको, ठीक है, लेआउट सॉर्ट बोल रहा है, ठीक है, इस पर क्लिक कर दिया जी, ठीक है, ओके सॉर्ट कर दिया, ठीक है। अमित ऊपर कर दिया, सेमंत इधर बीच में कर दिया, सुमित को नीचे कर दिया। तो ऐसे आप क्या करेंगे, सॉर्टिंग, ठीक। कॉलम वन को करना है, कैसे करना है, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग करना है, एसेंडिंग या डिसेंडिंग, डिसेंडिंग कर दूंगा तो उल्टा हो जाएगा जी, ये देख लीजिए, ठीक है। तो ये है सॉर्टिंग, ठीक, क्लियर। चलिए जी अब मैं यहाँ पे आता हूँ, लिख देता हूँ 10, 20, 30, इसमें क्लिक सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, ठीक है। अब ये नंबर है तो नंबर अपने आप सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। पहले 10, 20, 30 है ना, मैं चाहता हूँ कि 30, 20, 10 हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तो क्लिक कर दूंगा तो डिसेंडिंग हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां पे आऊंगा जी, फिर यहां से कर दूंगा एसेंडिंग में, तो एसेंडिंग हो जाएगा, ठीक। लेकिन ये देखिए अमित आ गया नीचे, क्योंकि अमित का जो था वो 30 था, ठीक। तो ये जो नंबर, ये वाला जो दूसरा कॉलम है ना, ये हुआ है एसेंडिंग ऑर्डर में, ये वाला नहीं। इसको अगर एसेंडिंग में करूंगा तो ये नंबरिंग जो है बदल जाएगा, ठीक। एसेंडिंग किया तो ये देखिए नंबरिंग बदल गया, ठीक। तो इस किसी एक के अकॉर्डिंग ही तो सॉर्ट करोगे ना आप, तो इसका डेटा जो है ये है, ठीक।
ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है इसको आप बदलते हो तो इसमें भी चेंजेस आ जाते हैं। ठीक, तो सॉर्टिंग समझ में आ गया आपको, आया नहीं आया? सॉर्टिंग किया क्यों जाता है? सॉर्टिंग किया इसलिए जाता है ताकि आप डेटा को पढ़ सको। ठीक है, अगर लाइन से लिखा रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 तक, ठीक, तो आप पता लगा लोगे कि 50 खोजना है तो गिनती के बीच में ही कहीं होगा, 25 खोजना है तो थोड़ा सा आगे होगा या पीछे होगा। ठीक है, जैसे डिक्शनरी में कोई शब्द आप खोजते हो, ठीक है, तो सॉर्टेड रहता है पूरा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग में रहता है, पहले ए से होगा, फिर बी से होगा, फिर सी से होगा, ऐसे ही रहता है ना। तो खोजने में आसान हो इसलिए हम सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्टिंग कितने तरह से होंगे? दो तरह से, असेंडिंग या डिसेंडिंग। ठीक, तो मुझे लगता है कि इसमें दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, नहीं होगा ना? चलिए जी, इसको मैं क्लिक करता हूं। ठीक है, अब यहां पे रिपीट हेडर रो, इसका क्या मतलब है जी? ज्यादा होता तो मैं दिखा देता क्या मतलब है। मैं नहीं दिखा सकता यार अभी इसका क्या मतलब है, ठीक है, क्योंकि मुझे ज़्यादा बनाना पड़ेगा ना, और उतना मैं बना नहीं पाऊँगा अभी तो। ठीक है, तो इसलिए इसको मैं अभी छोड़ रहा हूँ। इसका मतलब ये है ना कि क्या बोलते हैं, जैसे इसमें तो पता चल रहा है, ठीक है, कि एक पन्ना खत्म हुआ, ठीक है, तो दूसरा पन्ना में आ गया, ठीक है, लेकिन होता यह है कि जैसे एक्सेल है तो एक्सेल में पता ही नहीं चलता, ठीक है, और जैसे मान लो कि यहां पे लिखा हूं मैं नेम, यहां पे लिखा हूं क्लास, यहां पे लिखा हूं रोल नंबर, ठीक है, और यहां पे बहुत सारा मेरा डेटा है। ठीक, तो अब क्या होगा, दूसरा पन्ना प्रिंट करूंगा तो उसमें थोड़ी पता चलेगा, दूसरे पन्ने में तो पता नहीं चलेगा जी। तो क्या करेंगे, इस वाले ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्लिक कर दिया, प्रिंट प्रीव्यू देख लो, शायद आ जाना चाहिए, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो मैं फिर कहां से उतना डेटा लाऊंगा। ये देखिए इसमें भी आ गया है। ठीक है, यहां पे आप देखेंगे तो शायद ना दिखाई दे, अच्छा यहां पे भी दे रहा है दिखाई, चलो तो यहां पे भी दे रहा है, एक्सेल में दिखाई नहीं देता, प्रीव्यू में देता है। ठीक है, तो ये वाला पन्ना है इसमें भी हेडिंग दिखा रहा है, ये वाला पन्ना है इसमें भी हेडिंग दिखा रहा है। ठीक है, तो हेडिंग को जो है डिफरेंट डिफरेंट पेज में अगर आप टेबल प्रिंट करेंगे तो पहला ही पेज में हेडिंग रह जाएगा ना, लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रत्येक पेज में हेडिंग हो, तब तो पता चलेगा क्या नाम है, क्या क्लास है, क्या रोल नंबर है। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रिपीट कर देते हैं हेडर के रो को। ठीक, चलिए मैं यहां पे इसको कंट्रोल जेड करके ले लाता हूं, शिफ्ट टैब मारूंगा तो मैं पीछे वाले में चला जाऊंगा। अब सिलेक्ट किया, यहां पे है कन्वर्ट टू। ठीक है, यहां पे जब हम लोग आए थे ना इंसर्ट वाले में तो ये कन्वर्ट टू समय पे डिसेबल था, सिलेक्ट अभी किया तो इनेबल हो गया, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। ठीक है, और टेबल टू टेक्स्ट। ठीक है, ये देखिए क्लिक करेंगे तो क्या होगा, मैं यहां से हटाता हूं, मैं आता हूं यहां पे। ठीक है, कन्वर्ट, अब जैसे मान लीजिए ये टेबल मैं बना दिया, ठीक है, टेबल को कन्वर्ट करना चाह रहा हूं किसमें, किस किस में मैं कन्वर्ट कर सकता हूं, पैराग्राफ में या टैब में या कॉमा में या अदर, तो अदर कोई चिन्ह दे दो, जैसे मैं ये वाला चिन्ह दे दिया तो इस चिन्ह से सेपरेट कर कर देगा। ठीक है, पैराग्राफ में करूंगा तो पैराग्राफ से करेगा, टैब में कर दूंगा तो टैब टैब में कर देगा, करके दिखाता हूं। ये देखिए टैब टैब कर दिया,
टेबल गायब कर दिया। ठीक है, अब मैं फिर से आऊंगा इसमें टेबल, अब कन्वर्ट कर दिया, टेबल में ये कन्वर्ट हो गया। ठीक, फिर से आता हूं मैं कन्वर्ट इसमें कॉमा, मैं कॉमा बोलूंगा तो कॉमा कॉमा से सेपरेट कर देगा जी। ठीक है, इसमें क्लिक कर दिया, कॉमा कॉमा से सारा सेपरेट कर दिया, विंडोज प्लस दबाऊं तो जूम हो जाए थोड़ा, ये देखिए ये कॉमा कॉमा से सेपरेट किया है ना, ये देखिए कर दिया है, तो मैं बोला था जी कॉमा कॉमा से सेपरेट कर दो। ठीक है, फिर से इसमें मैं आऊंगा कन्वर्ट इसमें, यहां पे मैं डाल नहीं रहा हूं क्योंकि अपने आप बाय डिफॉल्ट ले लिया है। ठीक है, आप में ना ले तो आप डालना। ठीक, ये देखिए, और यहां पे सेपरेटेड टेक्स्ट एट, यहां बोल रहा है कि कॉमा से सेपरेट हुआ है, उसी को करना है टेबल में। ठीक है, और यहां पे ऑटो फिट का भी दे रहा है, तो मैं इसको छोड़ देता हूं और कर देता हूं ऐसे। ये देखिए फिर से कन्वर्ट हो गया टेबल में, तो इसको आप कन्वर्ट यहां से कर सकते हो यहां से। ठीक है, तो ये तो हो जाना चाहिए मेरे को लगता है, हो जाएगा ना, ये देखिए पैराग्राफ में कन्वर्ट किया तो पैराग्राफ में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, नेम आया है पहले क्लास, पहले नेम क्लास रोल नंबर, वैसे ही ये नेम होगा, ये क्लास होगा, ये रोल नंबर होगा, फिर ये नेम होगा, क्लास होगा, रोल नंबर होगा। ठीक है, तो कन्वर्ट में कोई दिक्कत आएगा क्या? नहीं आएगा ना। ये देखिए पैराग्राफ सिलेक्टेड है, यहाँ पे कर दूंगा, ये देखिए ऐसा बना के दे दिया मेरे को, लेकिन नहीं जी मेरे को तो ऐसा चाहिए नहीं। तीन, ये देखिए तीन डाल दिया मैं, और ऐसे किया तो ये कर दिया, तो ये कन्वर्ट वाला तो क्लियर है ना, ये वाला कोई प्रॉब्लम इसमें कोई समस्या नहीं है, है? चलिए इसको मैं फिर खत्म करता हूं, एक टेबल और इंसर्ट करके आखिरी चीज आपको मैं बता देता हूं। ठीक, यहां पे लिखता हूं 10, यहां पे लिखता हूं भी 10, यहां पे 10, यहां पे 10। ठीक है, यहां पे मेरा कर्सर है। ठीक, मैं क्या चाह रहा हूं कि 10, 20, 30, 40 से टोटल जोड़ूंगा तो 40 आएगा। ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि इन सबको जोड़ करके यहां पे मैं लाऊं। ठीक, कैसे लाऊंगा? बहुत आसान, लेआउट में जाऊंगा, फॉर्मूला दिख रहा है ना, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा, ये देखिए आ गया है, कर दूंगा जी, ये लो आ गया 40, तो ऐसे मैं जोड़ लूंगा 10 10। ठीक, ये देखिए यहां पे अब इन दोनों का जोड़ यहां पे लाना है, तो क्या करूंगा, फॉर्मूला सम लेफ्ट, ओके कर दिया, जोड़ दिया, यहां पे मैं कर देता हूं 10, और माउस पॉइंटर यहां लाके करता हूं फॉर्मूला सम एबव कर रहा है, ये एबव करूंगा तो 10 ही ला देगा, इधर वाला लाया है तो मेरे को तो चाहिए नहीं जी उधर वाला। ठीक है, मेरे को तो राइट साइड का चाहिए। RIGHT हो जा भाई, होना है तो, नहीं तो गरज नहीं है मेरे को। देखो जी धमकी दिया तो डर गया है मैं सब। ठीक है, 40 10 50 इसको जोड़ करके यहां ला दिया। ठीक, तो लेफ्ट राइट टॉप डाउन हर तरह से आप जोड़ सकते हो, जुड़ जाएगा ना, नहीं जुड़ेगा, जुड़ जाएगा, तो एमएस वर्ड में भी टेबल के साथ आप जोड़ सकते हो। एक मिनट रुकना, मैं ध्यान नहीं दिया, मेरा बैटरी लो हो गया, मैं चार्जर लेके आता हूँ, लेकिन इसको पहले रोक लेता हूँ, क्यों हो गया रेस्यूम SUM, यहाँ पे क्या लिख दूँ, क्या रिकॉर्डिंग चालू, बॉटम है ना, तो बॉटम का स्पेलिंग बताओ यार कोई, BUTTON बॉटम, देखते हैं जुड़ेगा तो ठीक है, सिंटेक्स एरर बोल रहा है, मेरे को मालूम नहीं है इसका स्पेलिंग, तो हार में जाया नहीं पूरा, तो
और इसमें बहुत सारा फॉर्मूला है, ठीक है। ये देखो बॉटम ये है, मैं जो लिखा था डी ओ डब्ल्यू एल, डाउन करूँ तो आएगा नहीं आएगा, ये भी गलती है, मैं भूल रहा हूँ यार कुछ। टॉगल कोड एडिट फील्ड करता हूँ मैं भूल रहा हूँ कुछ, मुझे नहीं याद आ रहा है। इसमें बहुत सारा फंक्शन है देखिए, ठीक है, आप सारे फंक्शन को ट्राई कर लेना। काउंट पे क्लिक कर दूंगा तो काउंट हो जाएगा। यहाँ पे आता हूँ मैं, ठीक है, ये संख्या कितना है काउंटिंग करना है मेरे को, क्या करूँगा जी, कर्सर ले आऊँगा यहाँ, ठीक है। ये देखिए अबव माने ऊपर है, कर ये तो सम बोल रहा है, मेरे को तो सम करना नहीं है, क्या करना है फिर मेरे को, काउंट करना है। काउंट पे क्लिक कर दिया और ये वाला जो एबव था ना, इसको यहाँ से कट करके काउंट वाले में पेस्ट कर दिया और सम को गायब कर दिया, ठीक है। तो ये चार आइटम था तो हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये कर दिया, यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम सबसे बड़ा संख्या कौन है, सबसे छोटा संख्या कौन है, ठीक है। मैक्स कर दूंगा तो सबसे बड़ा वाला आ जाएगा, ये एबव जो है ना इसको मैं काउंट करके उधर ही ले जाता हूँ, मैक्स वाले में डाल दूंगा मैं ऐसे, ठीक है। अब हमको स्पेलिंग वगैरह आता नहीं तो हम काफ़ी पेस्ट कर ले रहे हैं। ये देखिए मैक्सिमम संख्या ये था तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी फार्मूला है, ठीक है। इन सबको आप एक एक करके एक्सपेरिमेंट कर लेना, जो समझ में नहीं आएगा वो पूछना, ठीक। तो मुझे लगता है कि टेबल तो सारा कंप्लीट हो गया, अब कुछ बचा होगा जो मुझे याद नहीं आ रहा है तो वो मैं आपको बाद में कभी बता दूंगा जब याद आएगा। ये तो टेबल अभी ख़त्म हुआ है, अभी तो इतना बाकी है, तो बताओ अब क्या करूँ मैं, आगे बताऊँ या फिर कैसे करूँ है? ये तो लग रहा है कि दीवार तोड़ देगा पूरा, इसको बंद कर लूँ पहले। ईमेल एड्रेस ये है, मोबाइल नंबर मेरे को देना नहीं चाहिए बट दे दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये नंबर अगर मेरा मैं उठा लिया तो ठीक है, नहीं तो नंबर मैं बदलता रहता हूँ, ठीक है। कोशिश करूँगा कि इस नंबर को ना बदलूँ, व्हाट्सएप नंबर भी यही है, ठीक है। बाकी इसको देख लेंगे, मुझे अगर समय मिला तो कभी बाद में। टेबल तो कंप्लीट हो चुका आज, जो चीज़ें मुझे लगेगा बाद में मुझे अगर याद आता है, ठीक है, कि मैं भूल गया ये चीज़ें बताना, ठीक है, तो मैं बता दूंगा। और आपको कभी अगर दिक्कत आता है टेबल वगैरह में या फिर बाकी वगैरह में कुछ, ठीक है, तो आप पूछ लेना कि सर इसमें आ रहा है दिक्कत, ठीक। ईमेल से मेल करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, हो सकता है मोबाइल नंबर बदल जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, पर मैं कोशिश करूँगा कि ना बदलूँ, ठीक है। कल वाला वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ मैं, ठीक है। परसों वाला वीडियो मैं कल रात में अपलोड कर दिया हूँ, मिलेगा कैसे बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आना, ठीक है। सर्च करना YouTube पे, ये आ जाएगा, कल वाला ये है, ठीक है, ये चैनल है, ठीक है, इस पे जाना, ठीक है, यहाँ आना प्लेलिस्ट में, ठीक है। MS Word Isect के नाम से एक प्लेलिस्ट है, ठीक है, इसमें जाना, इस प्लेलिस्ट में जो है अभी एक ही वीडियो कल वाला मैं ऐड किया हूँ, ठीक है, कल परसों वाला ऐड किया हूँ, कल वाला और आज वाला भी मुझे जैसे ही समय मिलेगा मैं ऐड यहाँ पे कर दूंगा, इसी प्लेलिस्ट में आपको आखिरी में मिल जाएगा, ठीक है। अपलोड कर दूंगा और मैं आपको बता दूंगा फिर, ठीक है। मोर पे यहाँ पे आना डिस्क्रिप्शन में, ठीक है,
और जितना शॉर्टकट बटन वगैरह मैं बताया था, ठीक है, वो सारा शॉर्टकट बटन आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ उतना ही मिलेगा, उस दिन मैं जितना बताया रहूँगा सिर्फ उतना ही मिलेगा, ठीक है। और कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं है दिक्कत, बैक जाऊं, कैंसिल, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। बाकी तो प्रोग्रामिंग वगैरह का है तो वो आपको समझ में शायद आएगा नहीं, ठीक है। मिनिमाइज मैं कर देता हूँ, कोशिश करूँगा कि अपलोड कर दूँ मैं शाम को, ठीक है। इसको